दुनिया में जितनों को भी जिम्मेदारियां सुपुर्द की गई हैं, वो अगर अपनी जिम्मेदारी को बहुसन खूबी न निभाएं तो उनकी वजह से बिगाड़ पैदा होता है। उनकी वजह से जो उम्मीदें वाबस्ता होती हैं वो उम्मीदें पूरी होती दिखाई नहीं देती। इस वक्त शायद ही कोई माँ ऐसी होगी या कोई बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चों को लेकर के फिक्रमंद न हो, और ये सिर्फ मजहब इस्लाम में परवरिश पाने वाले माँ बाप की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के किसी भी मजहब में मजहब के मानने वालों की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो हर मजहब का मानने वाला अपनी औलाद के सिलसिले में परेशान है, बेचैन है, फिक्रमंद है। वजह क्या है? अगर आप उनसे पूछें कि आप अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद क्यों हैं तो जवाब मिलेगा, सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे के बिगड़ने के इम्कान ज्यादा हैं, माहौल खराब है, दोस्तों की संगत की बुनियाद पर बिगड़ने के इम्कान ज्यादा हैं। यकीनन आपका यह महसूस किया जाने वाला खतरा हक बजानिब है, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं ये दोनों का ताल्लुक बहुत बाद का है। पहला ताल्लुक तो ये है कि अगर माँ सही हो जाए ना तो औलाद की जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है। जहां औलाद के करेक्शन की जरूरत है वहीं साथ में माँ के करेक्शन की भी जरूरत है। अगर मेरी पूरी गुफ्तगू आपके दिलो दिमाग के अंदर महफूज न भी रहे तो एक मुफक्किर का कौल दिलो दिमाग के अंदर आप महफूज कर लेना। बड़ी प्यारी बात एक मुफक्किर ने कही है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम अता करूँगा।